मैं शेफाली वर्मा आपका अपने YouTube चैनल शेफाली की दुनिया में स्वागत करती हूँ तो आज कोई वैसा स्पेशल वीडियो नहीं है आज मैं आपको कुछ नहीं सिखाने वाली आज सिर्फ करूँगी आपसे बातें तो बातें करने हैं मन कर रहा था मेरा आज आप लोगों से बातें करने का तो मैं थोड़ा सा बस रेडी होकर आपके सामने बैठ गई हूँ लेके कैमरा आपसे कुछ करने बातें तो कल है शिवरात्रि यानी कि ग्यारह मार्च और शिवरात्रि वाले दिन यानी कि भोलेनाथ की एनिवर्सरी का दिन जो मुझे बहुत ही पसंद है और बचपन से ही मुझे ये त्यौहार बहुत पसंद है हमारे यहाँ कैसे होता था मैं आपको बताऊँगी अभी और आपके यहाँ कैसे होता है वो भी आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा कमेंट कर करके कि आप कैसे मनाते हैं हमारे भोलेनाथ का इतना स्पेशल डे जो है और मुझे तो बहुत खुशी होती है और बचपन से बहुत अच्छा लगता आ रहा है मुझे मेरे यहाँ जब मैं छोटी थी तो घर के पास एक मंदिर था कोई खास बहुत बड़ा सा मंदिर नहीं था छोटा सा मंदिर था वहाँ पे सिर्फ एक शिवलिंग रखी जाती थी और गौरा मैया की एक मूर्ति होती थी एक छोटा सा मंदिर था वहाँ पर शिवरात्रि वाले दिन इतना सजाते थे सब मोहल्ले वाले चंदा करके चंदा कर लेते थे एक, मतलब पंद्रह बीस दिन पहले से चंदा इकट्ठा करते थे फिर चंदा इकट्ठा करके फिर शिवरात्रि वाले दिन उस मंदिर को बहुत सजाते थे और पूरी रात नाच गाना मतलब उस टाइम पे बड़े बड़े साउंड आया करते थे और खूब वो कैसेट लगा कर सब लोग नाच गाना और घरों में क्या होता था कि सब लोग ढोलक बजा कर गाने गाते थे बहुत अच्छा लगता था मुझे भी मतलब गाना गाना बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे भजन कीर्तन नवरात्र हो या शिवरात्रि हो जन्माष्टमी हो सब पे मैं भी खूब गान गाना, गाना गाते में बहुत मन लगता था मेरा भी तो खूब कार्य करती थी आज मैं आपके साथ एक गाना भी शेयर करूँगी भजन जो है और जो मैं बचपन से ही मतलब मुझे बहुत पसंद है उसकी मीनिंग्स इतनी अच्छी लगती हैं जब उसको समझो उस भजन को तो बहुत ही प्यारा भजन है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी और आप लोग क्या कैसे करते हैं फलहार करते हैं क्या खाते हैं कैसे व्रत रखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस खास दिन को हमारे हिंदुओं का दिन है यार मतलब इतना ख़ास दिन भोलेनाथ देवादिदेव महादेव का दिन है तो भोलेनाथ की मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ डाई हार्ट फैन जैसे नहीं कहते हैं डाई हार्ट फैन वो फ़ैन हूँ मैं भोलेनाथ की भक्त तो दुखी बात है मैं फैन हो गई हूँ भोलेनाथ की तो भजन कुछ ऐसे है कि जब शिव जी की और गौरा जी की शादी हो जाती है तो गौरा जी पानी लेने जा रही होती हैं अपने शिवशंकर जी के लिए तो उस टाइम का वर्णन है इस भजन में मैं आपको गाकर भी और समझाते हुए बताऊंगी और बोर मत होइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा लाइक कीजिएगा आज भोलेनाथ के ऊपर तो खूब सारे कमेंट कीजिएगा अगर लाइक like कीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ठीक है बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए बनाती हूँ तो प्लीज़ 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 प्लीज, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा तो देखिए गाना मैं स्टार्ट करती हूँ और बताती जाती हूँ आपको कि अर्थ क्या है ठीक है अर्थ जब आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कुछ लोग मतलब समझ भी जाते हैं ऐसे गा के भी गाने में ही समझ लेते हैं कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो मतलब तुरंत तुरंत मैं बताती हूँ चलती हूँ और आवाज़ मेरी कुछ खास अच्छी नहीं है ढोलक और ये वो यहाँ कुछ नहीं है नॉर्मल मैं और मेरी कम कैमरा और मेरी जितने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं फ्रेंड्स हैं वो तो और कोई नहीं है विराज भी हमारे छत पर खेल रहे हैं तो इस, इस कमरे में सिर्फ मैं और आप हैं तो मैं शुरू करती हूँ प्यासे पिया को लेने चली पनिया गौरा बनी रे दुल्हनिया प्यासे पिया को लेने चली पनिया गौरा बनी रे दुल्हनियाँ जब जल भरने लागी गौरा सागर पापी बोला रे जब जल भरने लागी गौरा सागर पापी बोला रे किन की बेटी किन घर ब्याही किन की बनी दुल्हनिया रे किन की बेटी किन घर ब्याही किन की बनी दुल्हनिया रे सूरत सूरत गौरा तेरी मोहनिया गौरा बनी रे दुल्हनिया तो इस जगह का इतने का शब्द अर्थ ये है कि शिव शंकर से गौरा जी की शादी हो जाती है और शिव जी को प्यास लगी है और शिव जी हमारे तो पर्वत पे ही रहते हैं उनको प्यास लगी है तो जो गौरा माता है वो मतलब नई नवेली दुल्हन है और लेने जाती है अपने पति परमेश्वर के लिए पानी तो सागर से पानी ले रही होती है तो सागर देखता है बहुत ही खूबसूरत सी ये मतलब औरत कौन है और सागर पूछता है किन की बेटी हो किन घर ब्याही हो अब उसकी वेशभूषा से पता चल रहा है कि हाँ इनकी शादी तो हो चुकी है तो पूछ रहे हैं किन की बेटी किन घर ब्याही किन की बनी दुल्हन अरे किस घर में आपकी शादी हुई है और किसकी आप पत्नी हो और जो आपका रूप है वो मोहनी वाला है सूरत गौरा तेरी मोहनिया तो मतलब सागर जो है उसकी नियत जो हो रही है गौरा जी पर खराब हो रही है गाने में सुवास से मतलब जो हमारे पुराणों में होता आ रहा है वही चीज आज भी हो रही है लेकिन रूप थोड़ा बदल गया है थोड़ा अग्रेसिव ज़्यादा हो गया है जो आजकल लड़कियों के साथ हो रहा है होता पहले भी था ये नहीं है कि कुछ नया हो रहा है कलयुग में होता सब कुछ वही आ रहा सतयुग में त्रेता में जो कुछ होता आ रहा था वही हो रहा है लेकिन थोड़ा विकराल रूप लेकर हो रहा है शुरू से सारी चीज़ें शुरुआत में भगवानों के साथ भी वही हुई हैं जो हम इंसानों के साथ हो रही हैं कोई इस चीज़ों से बचा नहीं है आज कोई नया नहीं है शुरुआत से सब कुछ होता चला आ रहा है तो वही चीज़ आज है कि जैसे मंचले लोग होते हैं लड़के लड़कियों को देख के कमेंट करते हैं तो उसी तरीके से इसमें भी दिखा सुनाया गया है बताया जा रहा है कि गौरा जी से वो सागर पूछ रहा है तो गौरा जी जवाब देती है हिमांचल की बेटी हूँ शिव शंकर को ब्याही हूँ हिमांचल की बेटी हूँ शिव शंकर को ब्याही हूँ उन तपसी को प्यास लगी है पानी भरने आई हूँ तपसी को प्यासे लगी है पानी भरने आई हूँ बूटी वे और पिए पनिया गौरा बनी रे दुल्हनिया बूटी वे और पिए पनिया गौरा बनी रे दुल्हनिया तो गौरा जी जवाब देती है कि हिमाचल की बेटी हूँ गौरा आप सबको पता होगा कि माता जो गौरा है वो हिमाचल की बेटी है और शिव शंकर को ब्याही हूँ तो वो बताती हैं कि मेरी शादी जो है शिव शंकर से हुई है और उन्हीं को प्यास लगी है तो मैं उनके लिए पानी लेने आई बूटी घुटावे यानी कि जो भोलेनाथ का पसंदीदा भांग तो वो घुट घोटो और पानी पियो तो वो चीज़ वो बता रही है कि बूटी घुटावे और पिए पनिया गौरा बनी रे दुल्लनिया तो जब सागर को पता चलता है कि तो शिवशंकर की बीबी और उस टाइम पे शिवशंकर सब में ये फेमस थे कि ओगढ़ है इसके पास तो कुछ नहीं है वनों में रहने वाला पत्थरों के बीच में हिमाचल में रहने वाला मतलब हिमालय पे रहने वाला सॉरी हिमालय पे रहने वाला है अवढ़ है इसके भूत पिसाच है इनके पास कोई सोने का महल नहीं है कोई हीरे जवाहरात नहीं है कुछ नहीं है मतलब उस टाइम पे उनको थोड़ा सा अजीब ही लोग जैसे कि बाकी के र, थे देवी देवता वो थोड़े पैसे वाले हुआ करते थे ये थोड़ा गरीब हुआ करते थे उस टाइम का ये था क्योंकि उस टाइम पे कोई भगवान नहीं था सभी भगवान होते थे तो उन भगवानों के बीच अपने भोलेनाथ का कुछ इस तरह सा था कि लोग थोड़ा सा उनको वैसे देखते थे कि ये तो औगढ़ है और पर्वतों पर रहने वाला है इसकी घर गृहस्थी कुछ नहीं है तो हिमाचल कहते हैं गौरा तेरी किस्मत फूटी क्या जोगी संग आई है गौरा तेरी किस्मत फूटी क्या जोगी संग आई है चौदह रतन भरे हैं मुझ में हुई है रे चौदह रतन भरे हैं मुझ में पूरन हुई है, है रे बन जाओ हो बन जाओ गौरा मोरी दुल्हनिया गौरा बनी रे दुल्हनिया ले चली पनिया गोरा बनी रे दुल्हनिया तो सागर कह रहा है गौरा माता से कि तुम्हारी तो किस्मत फूटी है जो उस योगी के संग तुम ब्याह गई हो ऐसा करो तुम मेरे पास आ जाओ मेरे पास चौदह रतन है आप लोगों सब को सबको पता होगा कि समुद्र में चौदह रतन थे जिसका बाद में मंथन हुआ तो उसी का वर्णन है यहाँ पर कि वो अपने घमंड दिखा रहे हैं कि मेरे पास तो चौदह रत्न हैं सारी मन्नतें तुम्हारी पूरी होंगी सुख सुविधाएं ऐसोराम जो आजकल के युग में देखते ना कि गाड़ी बंगला मोटर कार सब कुछ होना चाहिए जेवर जाटा होना चाहिए तो उस टाइम पे वो इस तरह से उन्हें लालच दे रहा है गौरा जी को और कह रहा है बन जाओ मेरी दुल्हनिया तुम मेरे दुल्हन बन जाओ और उन्हें छोड़ दो तो गौरा कहती है और जिसके घर में कुछ नहीं है उसका भाग्य विधाता है जिसके घर में कुछ नहीं है उसका भाग्य विधाता है पापी हटाले अपनी बेमनिया गा बनी रे दुल्हनिया पापी हटाले अपनी बेमनिया गारा बनी रे दुल्हनिया प्यासे पिया को लेने चली पनिया गारा बनी रे दुल्हनिया तो गौरा जी कहती है कि जिसके घर में कुछ भी नहीं होता है सुबह का खाया हुआ शाम को नहीं पता कि खाने को मिलेगा या नहीं उसको भी ऊपर वाला देखता है ना सबका जो भाग्य विधाता है वो ऊपर वाला है उस टाइम पे भी ये था और आज भी ये है कि सोता इंसान खाकर ही है उठता जरूर भूखा है लेकिन खाना खाकर ही सोता है भगवान कहीं ना कहीं से सबका जुगाड़ कर देते हैं चाहे चिड़िया हो चुनगुन हो कोई भी जीव जंतु बड़े से छोटा भूखा कोई नहीं सोता है। सब खाकर ही सोते हैं भगवान सबका सहारा कर देते हैं कहीं ना कहीं से किसी को ज़्यादा किसी को कम देते सबको हैं, सब हैं। वो अपने अपने कर्मा हैं लोग क्या कर्म करते हैं कर्मा डिसाइड करता है हमारा कि हमें कैसा मिलेगा तो गौरा जी यही बात उनसे कहती हैं कि पापी हटा ले अपनी बेमनियाँ जो तुम्हारी नज़र गंदी है उसको हटा लो ठीक है तो भाई ये बातें उन लोगों के संवाद चल रहा था लेकिन हमारे जो भोलेनाथ हैं आंखें बंद कर कर भी सब कुछ देख रहे थे तो सारी पृथ्वी में क्या चल रहा है कहाँ क्या आंखें बंद हैं तप में लीन है लेकिन उनको सब कुछ पता चलता है यही हमारे भोलेनाथ हैं जो मतलब उस टाइम मत कहते हैं ना देवादि देव महादेव देवों के देव महादेव तो जिनको कोई कुछ नहीं समझ रहा था लेकिन वो तो उस टाइम पे भी सब कुछ ही थे ना तो उसी टाइम का फिर वो तो सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है सागर इतना सब बोल रहा होता है तो भोलेनाथ हमारे सब समझ रहे हैं सब सुन रहे हैं तो सागर की बातों को अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही जब उन्होंने इतना सब कुछ सुन लिया तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो कहते हैं इस जगह पे इतनी बात सुनी शिव शंकर शंकर मन में ठाने हैं शंकर भगवान मन में ठान लिए हैं कि अब इससे निपटना पड़ेगा ये तो कुछ हल्के में ले रहा है मुझको <laughs> तो इतनी बात सुनी शिव शंकर शंकर मन में ठाने हैं चौदह रतन निकाल समंदर ऐसे है वो ज्ञानी रे चौदह रतन निकाल समंदर ऐसे है वो ज्ञानी रे कर दिया कर दिया खारा उसका सारा पनिया गारा बनी रे मंथन जो हुआ था वो भोलेनाथ की वजह से हुआ था ना भोलेनाथ और जब उसमें से सारी चीजें निकली, निकली थी चंद्रमा अमृत और मतलब बहुत सारे रतन निकले चौदह दिन इस समय तो मुझे याद भी नहीं और गिनाने बैठ जाऊंगी याद कर कर के तो बहुत टाइम हो जाएगा जो तो जितना रतन था पहले समंदर का पानी जो था वो मीठा हुआ करता था देवताओं के युगों युग में फिर बाद में जब मंथन हो गया तो सारा पानी अब कैसा है नमक 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 तो उन्होंने गंदगी हरकतें करी तो उन्हें आज तक वो नमक 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 रह गए हैं उन पर कुछ भी नहीं है सागर पे तो यही चीज़ है कि देखिए इतना खूबसूरत सा भजन है कितना मतलब दिल को छू लेने वाला भजन है इसमें बहुत ही समझने वाली चीज़ें ये हैं कि बुरा अगर करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और ये चीज़ें जो आज चल रही हैं हमेशा से चलती आ रही हैं अंत भी सब जानते हैं कि हम बुरा करेंगे तो क्या होगा कहीं से भी आप ले लो कोई भी हमारे जो हिंदू धर्म में पुराण हैं जितने भी कथाएं हैं हमारी दादी रानी सुनाया करती थी सब में यही है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है अच्छा कभी नहीं होता है तो अच्छा ही कीजिए अपने आस में जितनी भी लेडीज़ें हैं सबकी रिस्पेक्ट कीजिए और जब हर इंसान रिस्पेक्ट करेगा तभी तो ये होगा कि ये जरूर क्यों नहीं अगर आप किसी दूसरे के घर की लेडीजों को लड़कियों को गलत नज़रों से देखते हैं या गलत बोलते हैं तो आपके भी घर में तो है ना आपके घर में भी तो लड़कियाँ हैं औरतें हैं जिनको कोई दूसरा इसी नज़रों से देख रहा है इसलिए आप जब अच्छी नजर सब यही सोचेंगे कि हाँ हमें दूसरों को अच्छी नज़र से देखना तभी तो आपके घर की भी लड़कियाँ सुरक्षित रहेंगी उन्हें भी कोई गैर दूसरे गंदी नजरों से नहीं देखेगा तो अपने आप में पहले परिवर्तन कीजिए बाकी हर इंसान अगर खुद में सुधार कर ले खुद अच्छा बन जाए तो सारी दुनिया फिर अच्छी अच्छी है फिर कोई बुराई रहेगी ही नहीं है ना तो वुमेन्स डे अभी हमारा निकल के गया है उस दिन भी मैं आपसे ये सारी बातें करना चाहती थी लेकिन बस नहीं कर पाई कुछ रीज़न हो गए और सारी बातें थी तो वुमेंस के लिए भी और अपने भोलेनाथ के लिए भी मैं दोनों चीज़ें को मैंने कंबाइन कर दिया है आपको अगर वीडियो पसंद आया हो मेरा भजन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और खूब सारे कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा ज़्यादा कुछ नहीं करना होता जो रेड कलर का बटन होता है उसको उसमें उंगली दबानी होती है वैसे तो सब लोग बहुत उंगल करते हैं लेकिन जहाँ करनी होती वहाँ नहीं करते हैं तो कर दीजिएगा जो रेड कलर का सब्सक्राइब है उसको उंगली उंगली ऐसे करेंगे ना तो वो रेड से ब्लैक हो जाएगा और फिर एक आएगी घंटी घंटी इस तरह से नहीं बजाने वाली मंदिर में होती वो छोटी सी घंटी आएगी बस उसको भी एक बार बजाना है उस पर ऑल पे बजा देना है ऑल पे बजा देंगे तो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय राधे राधे रात जय हो भोलेनाथ की शिव जय शिव शंकर